बाबा बैद्यनाथ की उल्टी तस्वीर पर विपक्ष खूब चुटकी ले रहा है। गोड्डा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पार्टी द्वारा भेंट स्वरूप दी गई बाबा बैद्यनाथ की उल्टी तस्वीर का मसला अब सियासी हो चला है। विपक्ष इस तस्वीर को लेकर कई तरह के कयास और मायने निकाल रहा है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुताबिक अमित शाह का इससे पहले दो बार दौरा रद्द हो चुका था। बाबा की मर्जी नहीं थी कि शाह गोड्डा की धरती पर आए, लेकिन अमित शाह जबरदस्ती आए, लिहाजा धार्मिक पाखंड करने वाले लोगों को बाबा ने अपना प्रकोप दिखा दिया है। संथाल की 3 सीट क्या बीजेपी झारखंड की सभी 14 सीटें हारने जा रही है। बाबा बैद्यनाथ ने इसके संकेत भाजपाइयों को दे दिया है। दौरा रद्द हो चुका, बाबा बैद्यनाथ की मर्जी नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती आए तो बाबा ने वहाँ जो एक सिंबॉलिक रूप से सांकेतिक रूप से देखिए तो ये बाबा का आशीर्वाद नहीं, बाबा का प्रकोप उन पर पड़ा है और आने वाले दिनों में वो प्रकोप दिखेगा भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि वो देवघर है, बाबा की धरती है, पंचशूल की धरती है और वहाँ पर धार्मिक पाखंडीवाद पाखंडवादी लोग नहीं चलेंगे। जेएमएम के इस बयान पर बीजेपी ने जेएमएम को अपनी 2 सीट बचा लेने की चुनौती दी है। बीजेपी ने कहा है कि बाबा बैद्यनाथ की परमानेंट कृपा बीजेपी के साथ है, 2019 में विपक्ष क्लीन बोल्ड होने जा रहा है। यहाँ तक 14 सीट है, 2 सीट जो पिछले बार गलती से जनता ने उन्हें वोट दिया था वो बचा के तो दिखाए। जेएमएम के लिए चैलेंज है वो बचा के दिखाए। वो दोनों सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही है और बाबा को तो जैसे भी आप पूजिएगा, दिल से अगर आप पूज रहे हैं तो बाबा आपके साथ हैं। बाबा तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक धार्मिक सांस्कृतिक देशभक्त और राजभक्त पार्टी है, इस पार्टी के साथ पूरे देवी और देवता शुरू से ही आशीर्वाद बना रहा है, आने वाला भी बना रहेगा। बाबा बैद्यनाथ की इस तस्वीर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच मैदान में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस ने कहा है कि जो लोग शहीदों के नाम पर, धर्म के नाम पर और प्रभु राम के नाम पर सियासत करते हों, बाबा बैद्यनाथ ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। 2019 को लेकर देश की आम आवाम के साथ साथ भगवान ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। ये जो पार्टी शहीदों के नाम पर राजनीति करती है, जो धर्म के नाम पर पार्टी राजनीति करती है, जिस पार्टी ने प्रभु राम तक को नहीं छोड़ा, तो गोड्डा में, झारखंड में हम सभी जानते हैं कि बाबा बैद्यनाथ देवघर में विराजते हैं और जब वो गोड्डा में चुनावी सभा करने गए तो बाबा ने अपना प्रकोप दिखा दिया है। इस बार भगवान ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। भगवान के नाम पर देश में सियासत की यह तस्वीर कोई नई नहीं है। नर्म हिंदुत्व की राह पर चल रही विपक्ष को अब लगता है कि हिंदुत्व के नाम पर 2019 के सियासी पिच पर बीजेपी पूरी तरह से क्लीन बोल्ड हो जाएगी। रांची से कैमरामैन अभय के साथ न्यूज 11 के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।